हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग कल से हमने शुरू किया है गेट क्लास, तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे जिसमें कि थर्मोडायनामिक्स में मैंने स्टार्ट किया है। और इसमें आज कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस किए थे, आज भी उन्हीं में से कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, तो उसी को आज देखते हैं। फाइव थर्टी पे तक सब लोग ज्वाइन कर लें ताकि चीज़ों को फाइव थर्टी पे मैं स्टार्ट कर लूँगा। आज कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जो कि हमें जानना चाहिए गेट के, अगर स्टूडेंट हैं आप तो ये चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी चीज़ों को आज देखेंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स देखे थे, वो टॉपिक्स थे कि बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनामिक्स क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। उसके बाद आपने देखा कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, मैंने उसमें आपको बताया कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है। फिर आपने देखा रिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है, इरिवर्सिबल सिस्टम क्या होते हैं, एंट्रोपी कैसे जनरेट होती है, एंट्रोपी का रीज़न क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्टडी किया, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने एक दो न्यूमेरिकल्स देखे थे गेट 2021 के, तो ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। आज उससे आगे देखते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ जब तक पता नहीं होगा तब तक अगर हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन करने का मोटिव फुलफिल नहीं होगा। तो कुछ आज बेसिक चीज़ें देखेंगे, तो इसको आज हम लोग देखते हैं। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से ताकि चीज़ें मैं स्टार्ट कर सकूं। एक घंटे का ये सेशन होगा आज, एक घंटे में जितनी चीज़ें कवर कर सकता हूं आज करूंगा। अभी तक एक लोगों ने ज्वाइन किया है, 5:30 से मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस, तो आप ज्वाइन करिए। आज हम लोग देखेंगे थर्मो या टेम्परेचर मेजरमेंट, जो आपका थर्मोमीटर में जो कंसेप्ट होता है उसको हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? टेम्परेचर मेजरमेंट करके टॉपिक है, उसको देखते हैं। इससे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग आज देखेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ज्वाइन कीजिए जल्दी। टेम्परेचर मेजरमेंट में दो चीजें होता है, एक होता है आइस पॉइंट, दूसरा होता है आपका स्टीम पॉइंट, ठीक है। तो इसको देखेंगे जल्दी जल्दी, आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि शुरू किया जाए। केल्विन स्केल
सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। ये आपका क्या है, ये है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर है, ये आपका केल्विन स्केल, ये है आपका सेल्सियस, सेल्सियस स्केल, केल्विन सेल्सियस एंड फारेनहाइट। इसी तीन स्केल में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। स्टीम पॉइंट, ये मैं डेटा अभी लिख रहा हूँ, जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब मैं शुरू करूँगा। फर्स्ट वन इज नोन एज स्टीम पॉइंट एंड दिस वन इज द आइस पॉइंट। ठीक है, अगर केल्विन स्केल में देखेंगे तो स्टीम पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, 373.15 एंड आइस पॉइंट का कितना होता है 273.15। ये डेटा मैं अभी लिख देता हूँ, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, ये होता है 0 इन द फारेनहाइट स्केल, ये कितना होता है 212 एंड ये होता है आपका 32। तो ये डेटा हमें ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है। इस डेटा के हेल्प से आप कैलकुलेशन हम लोग करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सुमित कुमार सर, गुड इवनिंग, थर्मोडायनेमिक्स ओनली कवर करेगा आप और सब्जेक्ट? और सब्जेक्ट भी देखेंगे बेटा, और भी सब्जेक्ट देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अलावा। आपको HMT करा देंगे, RAC करा देंगे, मैकेनिक्स करा देंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट कराएंगे, पढ़ना, ये सारे सब्जेक्ट कराएंगे आपको। एक दो सब्जेक्ट हो सकता है टोम बच जाए, टोम और डिजाइन थोड़ा बहुत बच जाए, बाकी सारे सब्जेक्ट करा देंगे, RAC सारे कराएंगे। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप तैयारी कीजिए, सारे ही करेंगे। ठीक है, बोर्ड में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, दिखेगा दिखेगा, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, अभी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा आपको। अब विजुलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है कैमरा से? हाँ, अब ये कैमरा हिल रहा है। अब विजिबल है सुमित? दिख रहा है सुमित? विजिबल है या नहीं है सुमित? नो सर। अच्छा, नहीं दिख रहा, ओके, एक मिनट, यहाँ पे तो विजिबल है, प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पे। अभी भी नहीं दिख रहा, मेरा नेट स्लो होगा तो सर कोई नहीं। ओके ओके ओके, आप अभी कहाँ पे हैं, रूरल एरिया में कहीं हैं क्या? यदि रूरल एरिया में है तो हो सकता है, मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, हो जाए, हो सकता है कहीं मेरे यहाँ से ही हो।
डाउनलोड कर लूँगा बाद में लेक्चर। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। 5:30 पे स्टार्ट करना है तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक दो बच्चे और ज्वाइन कर लें तो स्टार्ट करता हूँ। हर्ष भारद्वाज भी आने वाला है तो उसको भी देख वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी सी वो आपकी बफरिंग होगी, वो डेटा की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बाकी आप बाद में डाउनलोड कर लेंगे तो वो सही आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिस्टम में भी चला रखा है तो मुझे विजिबिलिटी सही है, यहाँ पे दिख रहा है। तो वो डेटा के वजह से प्रॉब्लम होता है, और ऑनलाइन है, लाइव है, तो उस केस में हो सकता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर मेजरमेंट, टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। टेम्परेचर मेजरमेंट में क्या कहा है, हमें जो थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर मेजरमेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्केल में आपको दे रखे हैं, जो स्केल आप, हम तो 3 ही स्केल में जानते हैं, लेकिन गेट में क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको कोई एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर आपको इस तरह के कुछ डेटा देंगे, उसके फंड में टर्म में बोलेंगे कि फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि स्टीम पॉइंट क्या होता है और आइस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टीम पॉइंट जो होता है, एक्चुअली स्टीम है क्या, स्टीम पॉइंट किसको बोलते हैं। स्टीम पॉइंट होता है जब आपका स्टीम और वाटर, जो सेचुरेटेड वाटर होता है, दोनों का मिक्सचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा तो जो वो टेम्परेचर देगा, दैट इज नोन एज स्टीम पॉइंट। ठीक है, स्टीम पॉइंट क्या है, अ टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड द वाटर वेपर एट द इनके इन प्रेजेंस ऑफ सेचुरेटेड एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज स्टीम पॉइंट, जो कि हम लोग देखते हैं कि सेल्सियस स्केल में होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें वाटर आपका बॉयल करना शुरू करता है। केल्विन स्केल में अगर देखेंगे तो केल्विन स्केल में 0 डिग्री को दिखाया था 273.15, तो आपका उसमें 100 ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा, 373.15, ये होता है आपका केल्विन स्केल में स्टीम पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली अगर फारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट इन केस ऑफ द फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल में 212, अगर आप जीरो की बात करेंगे कि टेम्परेचर जहाँ से ये स्टार्ट करता है, तो जहाँ पे आपका क्या सेल्सियस में 32 होता है, ये सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फारेनहाइट में क्या होता है वो 32 होता है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये है आपका, ये क्या है, ये आपका स्टीम पॉइंट है, ये ऊपर वाला जो कॉल रो बता रहा है ये क्या है आपका, ये आपका स्टीम पॉइंट है। तो स्टीम पॉइंट क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टीम पॉइंट आप ये समझने की कोशिश कीजिए, स्टीम पॉइंट क्या है कि सपोज दैट हमारे पास एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है इसमें, ठीक है, सर्टेन पार्ट क्या है हमारा, इसमें वाटर है, और सर्टेन पार्ट क्या है हमारा, वेपर है, ऐसे। ठीक है, ये वेपर है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर के साथ वैरी करता है। क्यों वैरी करता है, आपको पता होगा कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाते हूँ वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर वैरी करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी वैरी करेगा। तो स्टीम पॉइंट क्या होगा, ये जो वाटर है, सेचुरेटेड वाटर है और आपका ये स्टीम है, ठीक है, जो एस्टीम है, दोनों का मिक्सचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, सेचुरेटेड एयर जो है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इस दोनों का जो टेम्परेचर होगा, दैट इज नोन एज ये कहलाएगा आपका एस्टीम पॉइंट। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एस्टीम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड द एस्टीम एट इन प्रेजेंस ऑफ सेचुरेटेड एयर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज स्टीम पॉइंट टेम्परेचर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टीम पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि ये ऊपर में इंडिकेट कर रखा है केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल में। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा आपका, स्टीम पॉइंट कहलाएगा। अब आइस पॉइंट क्या होगा, तो आइस पॉइंट जैसे आपने अभी देखा, आइस पॉइंट में क्या होगा, जैसे आपके स्टीम पॉइंट में आपका वाटर एंड आपका स्टीम यानी कि वेपर का दोनों का मिक्सचर एट ए पार्टिकुलर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर मेजर होता था वो कहलाता था आपका स्टीम पॉइंट। सिमिलरली आइस पॉइंट में क्या होगा, द मिक्सचर ऑफ द आइस, मिक्सचर ऑफ द वाई आइस एंड द सेचुरेटेड एयर, मिक्सचर ऑफ द आइस
एंड द सेचुरेटेड एयर। अब यहां पर क्या हो गया, यहां से ये वेपर समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओनली आइस है, इसमें क्या हो गया आपका, ओनली आइस एंड एयर है, सेचुरेटेड एयर है आपका, ठीक है। ये टेम्परेचर जो देगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, और ये टेम्परेचर के लिए क्या कंडीशन बोला, शुड बी एट 1 एटमोसफेयर। देखिए ये कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, कंडीशन ही इसमें पुटअप करते हैं। क्या कंडीशन होने चाहिए, कंडीशन ये कहता है कि जो हमारा मिक्सचर होगा यहाँ पे, ये क्या होगा आपका, सेचुरेटेड एयर, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड एयर, मिक्सचर ऑफ द सेचुरेटेड एयर एंड आइस, सेचुरेटेड एयर एंड आइस दोनों का मिक्सचर होगा एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो टेम्परेचर हमें देगा दैट इज नोन एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइस पॉइंट बोलते हैं, जहां पे आपका आइस एंड सेचुरेटेड एयर का मिक्सचर 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, हम एम्बियंट में जो टेम्परेचर लेते हैं, जो हम कोई भी चीजें, सपोज दैट एक ग्लास में रखा आइस को, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जो वो उस आइस का टेम्परेचर होगा जो ग्लास में पड़ा हुआ, एक ग्लास है, हमने शीशे का ग्लास लिया, उसमें हमने क्या किया, जो आपका ये आइस को हमने ले लिया और उसको उसमें रख रखा है, तो वो जो टेम्परेचर देगा उस आइस का, दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा आपका, वो कहलाएगा आपका आइस पॉइंट कहलाएगा। ये आइस है, सेचुरेटेड एयर है, कितना प्रेशर पे, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए कंडीशन दिया। अगर प्रेशर वेरी करेगा तो फिर ये आइस पॉइंट नहीं होगा, जब प्रेशर वेरी करता है तो टेम्परेचर भी वेरी करता है। आप जानते हैं कि जब हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर जब आपका प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, कंडेंसेशन पॉइंट चेंज हो जाएगा, आपका सारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन पुट अप किया है कि क्या होना चाहिए, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है, शुड बी एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और किसके साथ मिक्सचर होना चाहिए, सेचुरेटेड एयर एंड आइस दोनों का मिक्सचर होगा एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या कहलाएगा आपका, आइस पॉइंट होगा। और केल्विन स्केल में कितना होता है हमारा, 273.15 केल्विन, सेल्सियस स्केल में क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फारेनहाइट स्केल में क्या होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका आइस पॉइंट कहलाता है। तो क्लियर है यहाँ पे आइस पॉइंट क्या है, स्टीम पॉइंट क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इतना ध्यान में रखिएगा कि आइस पॉइंट कहने का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ द एयर एंड आइस एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो उसका टेम्परेचर होगा दैट इज नोन एज आइस पॉइंट टेम्परेचर। स्टीम पॉइंट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड आइस एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज, जो टेम्परेचर होगा दैट इज नोन एज आपका स्टीम पॉइंट। क्लियर, चले आगे, ठीक है, तो ये कहलाएगा आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। अब रही बात कि हम जब टेम्परेचर मेजर करते हैं, जो थर्मोमीटरी यूज करते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। आप देखते होंगे जो थर्मोमीटरी यूज होता है, जनरली जो हम लोग मर्करी थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसके टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर होता है। लेंथ के साथ क्या होता है, टेम्परेचर का लीनियर रिलेशन होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करता है वैसे वैसे क्या करता है हमारा, लेंथ भी वेरी करता है। जब लेंथ इंक्रीज कर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो लेंथ इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो लेंथ डिक्रीज करता है, यही होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ द लेंथ, लेंथ का लीनियर रिलेशन होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टी क्या है, टी इक्वल टू ए एल प्लस बी, ये रिलेशन फॉलो करता है ए एल। यहां पर ए क्या है, टी क्या है आपका, टी इज द, टी आपका है टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है, एंड एल क्या है आपका, लेंथ, लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ, ये लीनियर रिलेशन। अब ए एंड बी क्या है, ए एंड बी कांस्टेंट है, हमें अगर इसको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, ये ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कहां से निकालें, तो ए और बी कहां से आएगा, ए और बी निकालने के लिए हमारे पास आइस पॉइंट और आपके पास एस्टीम पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्सियस स्केल में रिलेशन बनाते हैं, तो सबसे पहले सेल्सियस स्केल, ये जो आपका टर्म है सेल्सियस स्केल का, कि आइस पॉइंट और आपका एस्टीम पॉइंट दे रखा है, इसी कंडीशन को पुटअप करके हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, जो आपका लेंथ दे रखा है, इस लेंथ को देखिए, तो लेंथ क्या है, टी इक्वल टू एल प्लस बी, तो एट आइस पॉइंट,
ये किसके लिए हमने लिया, लीनियर रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर और लेंथ में क्या होता है, लीनियर रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये रिलेशन ले रहे हैं। तो टी इक्वल टू क्या है, ए एल प्लस बी। अब रही बात एट आइस पॉइंट टेम्परेचर कितना हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इस इक्वेशन जो पैरेंटल इक्वेशन 1 है इसको मान लीजिए ए है, इसमें हम लोग 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा आपका ए एल। अब ये क्या है, ये आपका आइस पॉइंट है तो एल को हम लोग आई दिखा देते हैं। यहाँ पर जो लेंथ होगा आइस पॉइंट पे जो लेंथ होगा आपका थर्मोमीटर का वो एल आई हो गया एंड ये हो गया आपका बी। दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ठीक है। एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट पे अगर देखें, स्टीम पॉइंट पे क्या हो जाएगा हमारा कि लेंथ जो हो जाएगा वो आपका 100 डिग्री, टेम्परेचर कितना 100 डिग्री, तो टेम्परेचर के जगह पर यहाँ पे ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे रख दिया 100 एंड ये क्या हो जाएगा ए एंड एल एस ठीक है एंड ये हो जाएगा आपका बी। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। दो अननोन कौन कौन सा है, कैपिटल ए एंड बी है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ले। तो आप क्या कीजिए, सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करिए ठीक है। तो लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यदि दो में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या फाइंड आउट होगा, ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये बी भी हमारा समाप्त होगा। तो लिखिए यहाँ पे ये देखते हैं कि ये है आपका कि 100 इक्वल टू ए एल एस एंड प्लस बी। ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 इज इक्वल टू ए एल आई एंड प्लस बी। अब दोनों को घटाना है तो आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको घटा दिया ठीक है। तो ये क्या है, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, ए कॉमन कर लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि एल एस माइनस एल आई एंड बी क्या होगा ना, समाप्त हो गया। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू हो गया 100 अपॉन एल एस माइनस एल आई। हमें एक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, एक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट हो गया ठीक है, कि आपका कैपिटल ए का वैल्यू क्या होगा, ये चीजें हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है। तो हम क्या करें, इक्वेशन ए जो है आपका इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में अगर आप ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना वैल्यू होगा बी का। तो इक्वेशन ए में हम इसको पुट अप करते हैं, तो इक्वेशन ए में पुट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आपके वीडियो में आ गया तो आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, मुझे पढ़ाने में लगेगा कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ढंग से, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए अब इसी क्वेश्चन 1 में क्या करें, हम ए का वैल्यू पुट अप कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए इंटू एल आई एन प्लस बी। हमें क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू एल आई एंड ए का वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है, तो ये क्या जाए, माइनस ए इज टू 100 अपॉन एल एस माइनस एल आई इंटू व्हाट, इंटू एल आई। ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ द बी। अब क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन ए था उसमें पुट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड बी इन इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए में हम इसका ए और बी का वैल्यू पुट अप कर दें ठीक है। ए और बी का वैल्यू जैसे ही हम पुट अप करेंगे हमें क्या हो जाएगा, हमें ये फाइंड हो जाएगा कि मेन इक्वेशन क्या है। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टी इज इक्वल टू ए, ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू दिस वन, तो ये हो गया 100 अपॉन एल एस माइनस एल आई ठीक है। उसके बाद बी इंटू यहाँ पे क्या है, एल आई है, बी बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस 100 अपॉन एल एस माइनस एल आई एंड इंटू क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, सॉरी ये आपका एल है, ये एल आई नहीं,
ये आपका इल है ओनली, ठीक है, ये हो गया आपका इल आई, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 100 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा एल माइनस एल आई अपॉन, ये क्या हो जाएगा एल एस माइनस एल आई। तो अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं किसी भी रेस्पेक्टिव लेंथ के लिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा अननोन फैक्टर है, अगर हमें लेंथ पता होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमने पुटअप कर दिया, लेंथ जैसे ही पुटअप करेंगे हमें टेम्परेचर फाइंड आउट होगा। अगर हमें टेम्परेचर पता है तो ये लेंथ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो थर्मोमीटरी में जनरली हम लोग यूज करते हैं लेंथ का रिलेशन, तो रिलेशन को ये फुलफिल करता है। तो ये रिलेशन आपका आ गया, ये जो फाइनल रिलेशन हुआ, तो यही कंसेप्ट, यही जो आपका कंसेप्ट है वो थर्मोमेट्री में यूज होता है, ठीक है। तो ये थर्मोमेट्री में क्या रिलेशन आया कि अगर आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो क्या हो जाएगा, नेट जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका कि टी इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 इंटू एल माइनस एल आई। एल आई क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर वेयर एल आई इज द लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट, एट आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पे जो लेंथ है वो है, ठीक है। एल एस क्या है, लेंथ ऑफ द थर्मोमीटर एट वॉट एस्टीम पॉइंट, ये आपका एस्टीम पॉइंट पे है, ठीक है। और एल क्या है, एल जो आपका लेंथ है वो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर हमें मेजर करना है उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एल लेंथ है। तो इस रिलेशन से किसी भी पार्टिकुलर लेंथ के लिए हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या फिर कोई टेम्परेचर दे रखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में ये लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सही है, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड में। उसी तरह यदि हम डिग्री फारेनहाइट में देखें तो डिग्री फारेनहाइट में भी हम निकालेंगे तो इसी तरह से जैसे हमने ए और बी का सोल्व किया उसी तरह से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो रिलेशन आएगा आपका टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट में वो क्या आएगा, उसको जरा सा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 100 है वो कितना है, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट का डिफरेंस है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप घर में कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा सेम। उसी तरह से ए और बी का वैल्यू निकालना है, दो कंडीशन हम पुटअप करेंगे, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, दोनों वैल्यू पुटअप करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमें रिलेशन आएगा इन टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू स्टीम पॉइंट कितना है हमारा 232 एंड आइस पॉइंट कितना है आपका 212 एंड आपका स्टीम पॉइंट है डिग्री फारेनहाइट में, डिग्री फारेनहाइट में स्टीम पॉइंट 212 आइस पॉइंट कितना है, आइस पॉइंट जो एल माइनस एल आई अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका एल एस माइनस एल वाई एंड प्लस ये क्या हो जाएगा आपका आइस पॉइंट, आइस पॉइंट कितना था 32। दिस इज द रिलेशन फॉर द डिग्री फारेनहाइट, ये आपके रिलेशन किसके लिए आएंगे, डिग्री फारेनहाइट के लिए। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में दे रखा है आइस पॉइंट और एस्टीम पॉइंट तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस रिलेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे और आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा कि पार्टिकुलर लेंथ के लिए डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा उस पार्टिकुलर लेंथ के लिए, या फिर डिग्री फारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दे रखा है तो लेंथ ऑफ द कॉलम कितना होगा। आप दोनों में से कोई भी नहीं, सपोज दैट यहाँ पे दे रखा है कि 180 तो आप निकालेंगे तो यहाँ से लेंथ निकल जाएगा जिसके लिए रेस्पेक्टिव लेंथ कितना होगा। सिमिलरली यहाँ से आप देखेंगे कि लेंथ दे रखा है तो रेस्पेक्टिवली टेम्परेचर कितना हो जाएगा डिग्री फारेनहाइट में, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रिलेशन है। अब केल्विन के लिए निकालने की जरूरत है, केल्विन तो सिंपल तरीका है कि 273.15 में हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर जो ऐड कर देते हैं और फाइंड आउट हो जाता है, मेन इसी में निकालना होता है। अब इस दोनों में हम रिलेशन निकालेंगे, किसमें, इस दोनों में रिलेशन निकालिए कि डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है आपका और ये जो फारेनहाइट है इसमें क्या रिलेशन होगा।
इसमें दोनों में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इस दोनों को रिलेशन निकालने के लिए जरा सा हम लोग देखते हैं, सुमित सही है बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब देखिए, अब दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करें, हमें इसमें से कुछ टर्म्स इलिमिनेट करने पड़ेंगे। इसमें देखिए कॉमन टर्म क्या है, ये कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म है जो दोनों में अगर देखें तो ये आपका कॉमन टर्म है, यही तो आपका कॉमन टर्म है। ये हम क्या करें, इसमें से ये कॉमन टर्म फाइंड आउट करें और उसमें पुटअप कर दे तो हमें क्या हो जाएगा, एक रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन टर्म्स को हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। तो कॉमन टर्म देखें तो इक्वेशन ए से क्या हो जाएगा, यदि हम देखें तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या आया है कि टी सी, टी नॉट सी, ये जो टी नॉट सी है, टी नॉट सी माने टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या है, 100 इंटू एल माइनस एल आई अपॉन एल एस माइनस एल आई, यही तो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एल अपॉन एल माइनस एल आई अपॉन एल एस माइनस एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि टी इन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100। इसको आपने ले लीजिए कि ये है इक्वेशन सी। अब इस वैल्यू को क्या करें, हम यहाँ पे पुटअप कर दें, जो ये वैल्यू निकाला है इसको हम लोग यहाँ पे पुटअप कर दें। तो इसको पुटअप करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल रिलेशन टेम्परेचर एंड ये डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पुटअप करते हैं, तो ये क्या है, यही आपका टर्म, इसके जगह पे हम लोग क्या पुटअप कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा इस एल माइनस एल आई अपॉन एल एस माइनस एल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा आपका 5। तो टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कि टी इन डिग्री फारेनहाइट माइनस 32, ठीक है, ये अपॉन ये, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, नहीं करना चाहते हैं तो आप रहने दीजिए ऐसे ही, दिस वन इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है या डिग्री फारेनहाइट में निकालना है तो ये रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं लूँगा जो गेट में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो उस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ और इसको ऐसे देखते हैं कि क्या फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो इस तरह से ये आपको रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल रिलेशन आपको आ चुका है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट में, आप इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका फारेनहाइट में, तो इसको एफ माइनस 32 अपॉन 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया अपॉन सी अपॉन 5। तो ये रिलेशन जनरली आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा, ये याद होगा, इस रिलेशन को यूज कर, सी क्या है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, एफ क्या है टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, और सी अपॉन 5 एफ माइनस 32 अपॉन 9, ये रिलेशन होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वो रिलेशन कैसे आता है वो आज आपने देख लिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक नो क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जनरली पूछा है गेट्स क्वेश्चन में, गेट एग्जाम में, तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन द डिफरेंट, जो सिलेबस में है मैं वही चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो आपके सिलेबस में है और आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है जरा सा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ टेम्परेचर स्केल, क्वेश्चन इज अ टेम्परेचर स्केल ऑफ सर्टेन टेम्परेचर इज गिवन बाय ये ऑलरेडी गेट में पूछ रखा है आपको 2000 आपका 13 में या 12 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्या है क्वेश्चन? अ टेम्परेचर स्केल टेम्परेचर स्केल ऑफ सर्टेन सर्टेन थर्मोमेट्री ऑफ सर्टेन सर्टेन थर्मोमीटर इज गिवेन बाय द रिलेशन इज गिवेन बाय द रिलेशन गिवेन बाय द रिलेशन टी इज इक्वल टू ए इंटू एल एन पी, पी इज द प्रेशर, ए इज द कॉन्स्टेंट एंड प्लस बी। ये रिलेशन आपको दे रखा है, कोई थर्मोमीटर है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। टी इक्वल टू ए एल एन पी प्लस बी, वेयर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एंड पी इज द एंड पी इज द P is the thermometric property. P is the thermometric thermometric properties of the fluid in the thermometer. Fluid in थर्मोमीटर इफ एट द आइस पॉइंट इफ एट द आइस पॉइंट इफ एट द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट इफ एट द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट the thermometric properties are found to be the thermometric properties are found to be 2 and 8 respectively and 8 respectively what will be the what will be the corresponding to the thermometric properties of food corresponding to the thermometric properties to be food क्या होगा on Celsius scale, on Celsius क्या पूछ रहा है Celsius scale से। ये क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट जो आपको अभी पढ़ाया है उसी पे आएगा, ठीक है, और इसको है सो हमें करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा डिफिकल्ट है, लेकिन जो चीज़ें पढ़ाया है वो यदि आपको डाउट क्लियर है तो आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल है
नेट स्पीड स्लो आ रहा है आई थिंक, लग रहा नेट स्पीड स्लो आ रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है आपको, विजिबिलिटी जो है क्लियर है, दिखाओ जरूर। नहीं विजिबिलिटी है ना, ये बफरिंग टाइप का आ रहा है, ये नेट की स्पीड की वजह से हो रहा है ये। लो ये नेट स्पीड की वजह से हो रहा है, तो इंटरनेट की स्पीड देखनी पड़ेगी कि क्या है प्रॉब्लम, कुछ है इंटरनेट स्पीड में, विजिबिलिटी है ही नहीं इसमें। कभी आ जाता है विजिबिलिटी, कभी नहीं आता है। यहाँ से देखें तो क्लियरिटी है इसमें, इसमें एवरीथिंग क्लियर है। विजिबल है ये, विजिबिलिटी नहीं होगा तो फिर कैसे कोई रुकेगा, मुश्किल तो ये। ठीक है बेटा, विजिबल है, कोई रिप्लाई कर सकता है मुझे, स्क्रीन क्लियर है या नहीं है, नहीं है क्लियर तो बताइए। सुमित, सुमित ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ये, फिर प्रॉब्लम करने का कोई मतलब ही नहीं इसको। नहीं दिख रहा है तो मैं इस क्लास को सस्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जब विजिबिलिटी होगी नहीं तो देखने का कोई मतलब है ही नहीं। देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले इसको रिजोल्व करता हूँ, फिर मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट डे, कल करूँगा, आज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी ये गड़बड़ हो चुका है। सुबह मैंने क्लास लिए थे वो सही चल रहा था, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल इशू है, इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। क्लियरिटी आ ही नहीं रही इसमें। मैं तो क्लास आज सस्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये विजिबिलिटी है नहीं, मैं इसको देखता हूँ टेक्निकल इशू क्या आ गया है, इसको रिजॉल्व करने के बाद ही फिर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है।